विवेक शर्मा ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, आई थिंक दैट माय हार्ट चक्रा गॉट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग मेडिटेशन वंस, अ वेव ऑफ ब्लिस जनरेटेड एंड हार्ट फिल्ड विद लव एंड जॉय, बट एज सून एज आई एनालाइज्ड इट दिस वाज वैनिश्ड, आफ्टरवर्ड्स आई कुड नॉट फील सच ब्लिस एवर, ऑल्सो आई कुड नॉट मेंटेन माई प्रैक्टिस रेगुलरली, हाउ टू मेक दिस स्टेट परमानेंट, काइंडली गाइड। विवेक जी, आपने मेरी पूरी सीरीज सुनी ही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। आज तो मैं पांचवें चक्र पर आ गया, हार्ट सेंटर पर कल बात की थी। ये चक्र का एक्टिवेट होना, चक्र का खुलना, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है ना। कोई चक्र जैसी चीज़ अंदर नहीं है कि जो एक्टिवेट हो गई, जो खुल गई, जहाँ से कोई एनर्जी बाहर आ गई, जहाँ से कोई और चीज़ पैदा हो गई। ये केवल हमारे माइंड में है, एक बिंदु है, एक कोरिलेटेड बिंदु है बॉडी माइंड का, बस उतनी बात समझिए। यानी कि जो शांति की, प्रसन्नता की तरंगे तुम महसूस कर रहे हो, उसके लिए एक यहाँ पर सेंटर है जिसको हम महसूस कर रहे हैं, यानी महसूस करने का एक एपरेटस है। वो भावनाएं, अनुभूतियाँ स्रोत से उठती हैं, उनका कोई सेंटर नहीं। लेकिन जब उनको महसूस करते हैं तो इस सिस्टम में, इस एपरेटस में, जैसे ये एक चैनल है तो इस चैनल पर, तो ये हार्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया, ये मणिपुर एक्टिवेट हो गया, ये खुल गया, ये जाग गया। इस भाषा को हर सीकर को गिरा देना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि लोग इसी में लगे, हार्ट जागा, विशुद्ध जागा, आज्ञा खुला, एक्टिवेट, नथिंग इज एक्टिवेटेड, नथिंग इज लॉक्ड, क्योंकि वो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं वैसा है वहाँ पर। आपने महसूस किया उस आनंद को, वो एक अवस्था है, इस समझ की कोई तरंग कभी जागी। और प्रसन्नता और शांति और प्रेम को जब हम समझते हैं तो कभी हमको यही लगता है कि जैसे यहाँ से कुछ समझा जा रहा है, हृदय, इसीलिए उसको वहाँ से जोड़ा, हृदय के अंदर से वो आई और गई, उसको पकड़ने और परमानेंट बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है, बस तटस्थ रहना है। यहाँ दोबारा कुछ भी नहीं होता, फिर से नए सिरे से कुछ होगा, और नए सिरे से हो सकता है वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। इसीलिए किसी स्मृति के आधार पर किसी भी घटना को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ नए सिरे से होगा और अद्भुत ढंग से होगा, तो उसको फॉलो नहीं करना है। आया गया, उसको जाने दीजिए, और ये चक्रों के एक्टिवेशन और ओपनिंग की भाषा को ड्रॉप कर दीजिए। बस सहज होकर, जाग कर जीवन जिए, समझ कर जिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग तमाम चीज़ें अनुभव में आएंगी। लेकिन ये चक्र खुला, बंद हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इस भाषा को गिरा देना है हर सीकर को अपने अंदर से। Thank you.